हाँ जी फिरोज, आप सुनाए हाल अपना। मैं बोल रहा हूँ एडमिंटन से, अमरजोत सिंह, और आप जुड़े हो मेरे से कहाँ पर हो? फिलीपींस में, कौन से शहर में? क्या मैं उलंगापो से सर जी बात कर रहा हूँ। नाम है? उलंगापो सिटी से। हाँ उलंगापुर सिटी। जी ये तो लग रहा है जिस तरह कोई औरंगाबाद सिटी लग रहा है जिस तरह। बस ये यहाँ पर छोटा सा शहर है इनका, उधर से बात कर रहा अच्छा 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 आप मेरे को अभी बताएं, क्या है मसला आपका, क्या है सिचुएशन, किस बारे में आपकी हेल्प करी जाए? और मैं। पहले पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान के लोगों से मेरा प्यार ही बहुत है, और आप शायद यकीन ना करें, हम लोग के घर में, जैसे मैं अपने, आवाज़ आ रही है आपको मेरी पूरी? जी 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 बिल्कुल आवाज आ रही है हाँ, आपका। हम लोग के घर में हम लोगों ने एक एक सेट कर रखा है, एक अपना टाइम टेबल, के शनिवार के दिन हम लोग जो एक पाकिस्तानी ड्रामा आते हैं ARY डिजिटल, जी जी उस पे हम लोग जरूर पाकिस्तान के ड्रामे देखते हैं। और जो हमारा सबसे जो पसंदीदा ड्रामा आजकल जो चल रहा है वो है चीक, अच्छा वो है सबा कमर है, इसमें बिलाल अब्बास हैं, अच्छा और हम लोग ये डिस्कस करते हैं, स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं कि भी किसने किसको मारा, किसके किसका कोर्ट केस कब चलेगा, किसका डिवोर्स कब होगा, उसकी फूफी कब आएंगी, उसकी आपा ने क्या कहना है, ये सब बहुत डिस्कस करते हैं हम। अच्छा तो पाकिस्तानी ड्रामे के बगैर हम लोग को रात को नींद नहीं आती, नंबर वन। अच्छा दूसरा, सवेरे उठते ही सबसे पहली बात जो मैं देखता हूँ, कई लोग सोचते हैं कि मैं इमिग्रेशन के बारे में पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इमिग्रेशन नहीं, मैं पढ़ता हूँ पहले डॉन अखबार, अच्छा कि मरियम यूसुफ ने कल क्या कहा, इमरान खान ने कल का क्या कहना है, नवाज शरीफ को क्या, किसने फतवा देना है, ये सब मैं सारा मैं पढ़ता हूँ डॉन अच्छा में। हाँ, तो डॉन मेरा सबसे फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरेस्ट मैं जरूर पढ़ता हूँ पाकिस्तानी के अखबार को। और फिर पाकिस्तान के कुछ यूट्यूब पे उनके जो उनके डिस्कशन चलते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशन चलते हैं, कि कितना पानी रोका है हिंदुस्तान ने, कितना पैसा इकट्ठा करना है, GDP क्या जा रही है, वो सब हम बहुत ही मैं ध्यान से सुनता हूँ मैं। अच्छा और पाकिस्तान के लोग यहाँ पर मेरे घर के आसपास ही नेबर्स भी हैं मेरे पाकिस्तान के, तो उनसे भी मेरी मुलाकात काफ़ी रेगुलरली होती रहती है। और लाहौर जाने का भी मेरा प्लान है, देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। अच्छा तो ये थोड़ा बैकग्राउंड है। आप बताएं कि आप पाकिस्तान से मनीला कैसे, सॉरी, जो फिलीपींस कैसे पहुंचे और क्या कहानी मैं सर जी मैंने FSC किया पाकिस्तान से ना, मतलब है? 12 पढ़ गया है यहाँ पे। तो ये तो आपको पता है कि आपने जिस मुल्क में भी जाना है वहाँ पर आप ज़्यादा पढ़ोगे, दूसरे मुल्क में तो कम गिना जाएगा। तो भाई ने मुझे कहा कि तुम इधर आ जाओ। मैं तकरीबन 2013 में 2012 के आखिर में तकरीबन मैंने अप्लाई किया, तो तकरीबन वीज़ा मिलते मिलते मुझे ना आया। मैं यहाँ पर विजिट वीजे पे था क्योंकि मेरे भाई का यहाँ पर बिजनेस है, वो परमानेंट रेजिडेंस है फिलीपींस में ना। तकरीबन 12 साल हो गए, 12-13 साल। किस चीज़ का बिजनेस है? उनका यहाँ पर कपड़े का बिजनेस, जैसे हमारा पाकिस्तान उधर कहते हैं लंडे का कारोबार, तो हाँ, अच्छा। ये इधर कारोबार है। पर इनका लंडा तो जाहिर बात है मतलब हाई क्लास लंडा है ना, वो पाकिस्तान वाला लंडा नहीं। तो हाँ ये कारोबार है ना, तो इस वजह से हाँ मैं इधर आ गया तकरीबन 2013 में। तो फिर मैंने थोड़ा सा टाइम सबर किया, जैसे मतलब मुझे पता चला नहीं था कि जिस टाइम पे मैं आया उस वक्त कॉलेज में एडमिशन नहीं खुले हुए थे, तो मुझे तकरीबन मेरा 1 साल तो मेरा ज़ाया हो गया इस वजह से इंतज़ार करते करते। तो फिर मेरा दाखिला हुआ 2014 में। तो आपको मैं सच्ची सच्ची सारी सीधी सीधी बात बताऊंगा, झूठ बोलने का तो फ़ायदा है नहीं। तो इनकी अपनी ज़बान, ये तो आपको पता है, और ये पहले मुझे पता नहीं था ना इस मामले में कि इनकी अपनी ज़बान है। अगर मुझे पता होता ना कि यहाँ पर इनकी अपनी ज़बान है तो मैं कभी यहाँ पर नहीं आता। तो पर आ गए, तो मतलब वो कहते हैं कि जब आ गए तो फंस गए, तो फिर आप समंदर के बीच में, तो फिर आप आगे ना पीछे। सही बात तो है। आ गए फिर, तो फिर पढ़ाई शुरू की। पहले मैंने सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स रखा मैंने सबसे पहले। तो मतलब इनका जो स्टडी का लेवल हमारा, और हालांकि हमारे जो से इंडियन पाकिस्तानी टीचर्स हैं वो शायद इनसे बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो इनके आगे कुछ भी नहीं। तो मतलब यहाँ पर मैं आया, इनकी स्टडी थोड़ी सी अजीब मुझे पहले समझ नहीं आया। मतलब पहले सेमेस्टर में मैं 10 सब्जेक्ट, 8 से 10 सब्जेक्ट थे मेरे, उनमें से मैं 8 में से फेल हुआ, 2 में से पास हुआ। तो मतलब ये टेंशन बन गई मुझे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं सेट होता होता, मतलब दूसरे साल में मैंने कोर्स चेंज कर लिया। तो मैंने कहा यार ये तो मेरे बस का काम नहीं है, तो मैं कोर्स चेंज करूँगा।
तो ऐसा ऐसा मेरे दोस्तों ने कहा कि तू कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आ जा, उसने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं दिया। तो मैंने अपने कोर्स चेंज करके कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर लिया। कंप्यूटर इंजीनियरिंग मैंने तब किया कि यार चलो शायद मेरा कोर्स जल्दी खत्म हो जाए, मेरे दोस्त भी हैं तो साथ साथ हो जाए। पर मेरे दोस्त तो ग्रेजुएट कर गए, वो तो इंजीनियरिंग बन गए। तीसरा एक साल मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में लगाया तो उसमें मेरे सब्जेक्ट्स में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो मैं तकरीबन डाउन गया। उसके बाद फिर मैंने इलेक्ट्रिकल में चेंज कर लिया अपना कोर्स। तो ये मेरा लास्ट कोर्स था, क्योंकि यहाँ पर कोर्स अगर आपने चेंज करना है तो आपकी लिमिट होती है, आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। आपको पहले यहाँ पर एक इदारा है, इनका हायर एजुकेशन कमिश्नर है, उनसे इजाज़त देनी पड़ती है, उसके बाद वो अप्रूव करते हैं कि हाँ जी ठीक है। और वो फिर उसके बाद उन्होंने लिमिट लगाई है, मुझे वार्निंग दे दी कि अब इसके बाद अगर अब इसके बाद हम अलाउ नहीं करेंगे आपको कोर्स चेंज करने के लिए। तो इसके बाद फिर मैंने इलेक्ट्रिकल जो सा कोर्स किया, तो माशाल्लाह तीसरे साल से लेकर अब ये मेरा आखिरी साल है, तो मैंने पढ़ाई मतलब मेरा ये आखिरी सेमेस्टर है, दिसंबर में मेरी पढ़ाई ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर सिस्टम ये है कि फ्यूचर नहीं है कोई फिलिपीन में, तो ये शायद आपको भी वहाँ पर पता हो, क्योंकि भाई मेरा है जब मैं यहाँ पे आया तो उस वक्त आज से कुछ साल पहले कारोबार ठीक था, ठीक है 2014-15-16 की बात करें तो कारोबार डाउन होता जा रहा है। फ्यूचर तो यहाँ पर है ही नहीं ना, कि मतलब आप फिलिपीन में आ गए हो तो आपको फिलिपीन भी की आपको रेजिडेंस मिल जाए, बेशक आपके आप यहाँ पर शादी कर लो उसके बावजूद भी ये आपको फिलिपीन की रेजिडेंस नहीं देंगे जैसे यूरोप कंट्रीज में है। अगर आपने यहाँ पर शादी कर ली तो आपका वीज़ा साल लगे, पहले साल का लगेगा, उसके बाद दो दो साल का रिन्यू कराते हो, ठीक है, इसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं है। तो यही है कि मेरी पढ़ाई ख़त्म हो रही है, मैंने आपकी वीडियो देखी बहुत सारी, मतलब यूट्यूब पे कभी एक देखता कभी दूसरी, के शायद मेरे मुतालिक या मेरे क्वेश्चन जैसे आप जिस बंदे से बात करें उसमें मुझे जवाब मिल जाए। तो मेरी वालदा भी आई है यहाँ पे, तो उन्हें भी हम सलाम कहते हैं जी। वो उनका मतलब बहुत ज़ईफ़ हो गए हैं वो, मतलब ना बीमार हैं बहुत ना उनका, तो इधर आई नहीं है वो, तो परेशान थी। तो उन्होंने कहा अभी मैं उनसे बात करता हूँ, मैंने कहा भाई क्या कहते हैं फिर पैसे लगा दूँ। अम्मा अम्मा कहती हैं कि ये सरदार जो उनसे होते हैं ये तो अब हमारे से मतलब ये जितने हम लोगों को जानते हैं या जितनी हमारी करते हैं इतनी शायद अपने लोगों की भी ना करते हों। तो आठ पैसे तो फिर आ जाते हैं, पर जो वो सलाह देंगे या जो वो राय देंगे उससे हमारा फ़ायदा ही होगा। तो फिर मैंने बैठे बैठे मैंने कहा चले ठीक है काम कर दे। सही बात है, आज मैं सलाह दूंगा आपको तो, और आज सलाह ऐसी दूंगा आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने वीडियो बहुत सारी देखी आपकी, तकरीबन रोज ही देखता था एक दिन में मैं, मतलब हर वक्त यूट्यूब मैं सीआईडी बहुत देखता हूँ, अभी मैं सीआईडी देख रहा था। अच्छा सीआईडी देखते हैं, वाह मैं सीआईडी बहुत देखता हूँ। तो सीआईडी से पहले पहले मैं आपकी वीडियो मैंने तकरीबन सारी देखी है, मतलब आपने वो वीडियोस लगाई कुछ फिर उनसे वो आपने प्रोसेस किया शायद उसका पहले रिजेक्ट हुआ फिर प्रोसेस आपने किया या क्या। अभी मैं वो मोहाली वाले लड़के की देख रहा था कि उसका वो उसने कोड वार भेजा तो आप उसे बता सिता रहे थे, तो मैंने कहा अम्मा तो इसमें लगता है मेरा काम तो नहीं होने वाला, तो डिटेल में बात करने के लिए मैं सर को खुद ही पेमेंट दे के तो पैसे दे के तो बात कर लेता। पहली बात ये है कि आप देखिए सीआईडी देख रहे हैं, आप इंडियन प्रोग्राम देख रहे हैं, हम पाकिस्तानी प्रोग्राम देख रहे हैं। देखिए इंडिया और पाकिस्तान के अवाम में प्यार कितना है। जी जी बिल्कुल, ये ऊपर के लोग हैं हुक्मरान, ऐसी ऐसी आपस में इनके डिफरेंसेस हैं, हम लोग जो नीचे वाले लोग पिस रहे हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की रूह जो है एक ही है और एक ही इनका बेस है, एक ही कल्चर है, एक ही हिस्ट्री है, सब कुछ एक ही है। पता नहीं उस ज़माने में कैसे अंग्रेज़ों ने तकसीम कर दिया, एक लाइन बिछा दी, कोई इधर गए उधर हो गया, मतलब इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरी उम्र भी अभी 52 हो चली है, मेरी ज़िंदगी में मेरे रहते रहते ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला अगर सुलझ जाए, अगर ये लोग एक हो जाएँ सब जने, तो पता नहीं क्या से क्या करिश्मा हो जाएगा इस पूरे कॉन्टीनेंट में। जी जी बिल्कुल, बहरहाल तब तक तो हम इंतज़ार ही कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, जहाँ तक बात है, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र सर जी आप अंदाजा लगाएं मेरी उम्र मेरी शक्ल से कितनी है? आपकी होनी चाहिए 27-28-30 30 से नीचे होनी चाहिए। नहीं नहीं मेरी उम्र है 24 साल। 24 साल है, अच्छा देखिए यहाँ पर थोड़ा वो यहाँ पर वो पढ़ रहे हैं, चश्मा लगाया ना आपने तो पढ़ाकू लग रहे हैं आप। मुझे तकरीबन 20 साल हो गए। अच्छा 20 साल हो गए, ठीक है। अभी आपको ये डिग्री जो मिलने वाली है ये कब मिलने वाली है? ये सर जी मुझे मिलेगी दिसंबर में। इस दिसंबर में डिग्री मिल जाएगी। डिग्री का नाम होगा बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। जी जी बैचलर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।
कितने कितने इसमें जीपीए वगैरह है सिस्टम, कितने मार्क्स आने वाले हैं सर जी? मुझे यहाँ पर ये जीपीए का समझ नहीं आया ना कि यहाँ पर क्या सिस्टम है या यहाँ पर कैसे जीपीए देखा जाता है। चलिए छोड़ें जीपीए को, परसेंटेज मार्क्स होते हैं जैसे 50, 60, 70, 80 ऐसे, उसमें कितने हैं? यहाँ पर सिस्टम इनका ये है कि इनकी परसेंटेज स्टार्ट होती है, मतलब अगर 75 अगर आपके मार्क्स है ना तो आपका आपके मार्क्स मतलब लो है यहाँ पर, अगर 70 है तो आप फेल हो 70 से 74 तक। आपके कितने आने वाले भाई? मतलब मेरा तो हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट्स में अलग अलग होते हैं ना। अभी तक कितने आए हैं, अभी पिछले एक साल में पढ़ाई की, अभी तक कितने चल रहे हैं? मतलब मेरे आप समझ लें कि आ रहे मेरे पिछले सेमेस्टर में आए हैं तकरीबन 80 से 90 के अंदर अंदर। चलिए पढ़ाई में लग रहे हैं, तेज लग रहे हैं आप। अगर 80-90 आए हैं, ठीक है, तो उम्र आपकी 24 साल है और डिग्री आपको मिलने वाली है अभी, ठीक है। अगर आपको कनाडा जाना है, किसी को भी अगर कनाडा जाना है, चाहे वो पाकिस्तान से डायरेक्टली जा रहा है या फिलीपींस से जा रहा है, एक सिस्टम होता है हमारा एक्सप्रेस एंट्री। अच्छा। लेकिन एक्सप्रेस एंट्री में पीआर की फाइल डालने से पहले आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, जो आपके पास अभी है नहीं। आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, करेक्ट? बिल्कुल। जॉब एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है, मिनिमम एक साल का चाहिए होता है मिनिमम। अच्छा। अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपनी इमिग्रेशन की फाइल नहीं डाल सकते। अच्छा। ठीक है, ये तो बात पहले क्लियर होगी। तो अभी आपको अगर जो कनाडा आना है तो आपको फिर थोड़ा सा आपकी मेहनत मुशक्कत फिर थोड़ी जारी रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, आपको डायरेक्टली पीआर अभी मिल नहीं सकती। अच्छा। पहली बात तो ये क्लियर कर दें, चाहे आपको कोई भी एजेंट कोई भी आपको लाला लाए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं होने वाला। नंबर वन, कुछ इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। दूसरी बात यह है कि जो एक जॉब ऑफर का सिस्टम होता है, वर्क परमिट का सिस्टम होता है कनाडा में, तो उसके लिए आपको नौकरी चाहिए और आपको नौकरी अभी कोई देगा नहीं है। रियलिटी ये है कि आपको अभी नौकरी मिलना नामुमकिन तो नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। अच्छा। तो वो आपको अभी कोई नौकरी देगा नहीं। तो आपके पास जो जो दो और तरीके बचे हैं, तो दो तरीके तो खारिज हो गए, दो तरीके और बचे हैं। तीसरा तरीका है आपकी कोई शादी होती है। अब शादी के लिए लड़की ज़रूरी है, लड़की के लिए अब आपको खुद पैर हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, आपको मिलती है रिश्ता होता है तो होगा, तो उसके बारे में भी बात करना मुनासिब नहीं है, जब रिश्ता होगा तब बात करेंगे। जो चौथा तरीका वो है, वो आपके लिए सूट कर जाएगा, और उसकी वजह ये है क्योंकि आप अभी पढ़ाई में हो और कंटिन्यू चल रही है पढ़ाई, आपकी उम्र भी कम है, आप इसके बाद मास्टर्स डिग्री का प्रोग्राम इंजीनियरिंग का एडमिशन ले लो किसी भी यूनिवर्सिटी में कनाडा में। दो साल का प्रोग्राम लो, एक साल का नहीं, दो साल का मास्टर्स इन सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी आपको पढ़ना है, या तो पीजी डिप्लोमा भी ले सकते हो। अगर आपको डिग्री पूरी नहीं करनी जस्ट टू सेव मनी, आप पीजी डिप्लोमा भी ले सकते हो। आपको स्टूडेंट वीज़ा शर्तियाँ मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको, मैं गारंटी वैसे वर्ड इस्तेमाल नहीं करता, आपने देखा होगा वीडियोस में, लेकिन आपके बारे में मेरे को लग रहा है कि आपको वीज़ा जरूर मिलेगा। सिर्फ आपको इतना काम करना है कि अपनी इंग्लिश की तैयारी पूरी रखो। IELTS एग्जामिनेशन होता है, उसमें आप मिनिमम 7 ले आओ, 7। अच्छा। आपको बस दो काम करने हैं, एक तो आपको 7 स्कोर लाना है IELTS में। अच्छा। और दूसरा, अभी आप एक घंटे बैठे गूगल पे, आप अपना जो भी आपको कोर्स पढ़ाई करनी है कनाडा में, आप टाइप करें जैसे पीजी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या जो भी कुछ आपका उसमें शायद कोई इंटरेस्ट हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई सब टॉपिक हो, तो वो आप सर्च करें और आपको कनाडा की यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज की लिस्ट मिल जाएगी गूगल पे। अच्छा। वहाँ से यूनिवर्सिटी को क्लिक करें, वहाँ से चेक करें, वहाँ का उनका कोर्स का स्ट्रक्चर देखें कि उनको आप पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते हो, आपका इंटरेस्ट की है, और वहीं से ऑनलाइन अप्लाई करें, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और अभी आप आजकल एक्चुअली लेट आपने कॉल किया, अभी जुलाई शुरू हो गया है, अभी अगला सेशन सितंबर में शुरू हो जाएगा। अच्छा। अगर आप मेरे को यही 2-3 महीने पहले अगर आप करते तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन आपका जो, चलो इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि आपकी डिग्री मिलने वाली दिसंबर में, तो आप जो अगला सेशन जो है वो जनवरी 2020 में शुरू होगा, उसके लिए आप अभी से थोड़ा सर्च करके अप्लाई करके अपना सिलसिला शुरू करें, और आपको एडमिशन ऑनलाइन मिलेगा, मतलब ऑनलाइन अप्लाई करके ऑनलाइन डिसीजन आएगा, आपको 1-2 महीने में आपको पता लग जाएगा कि कौन एडमिशन दे रहा है, और फिर आप आराम से करीब करीब सितंबर या अक्टूबर में कनाडा वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा वहाँ से मनीला से लगा सकते हैं।
अच्छा सर जी, मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मैं यहाँ पर एजेंसी में मैं गया, तो क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं, मतलब मेरा ये बैचलर का कोर्स हो गया इलेक्ट्रिकल का, तो अगर मैं मास्टर में ना करना चाहूँ, कोई और कोर्स लेना चाहूँ 2 साल का, मतलब बहुत सारे कोर्स है, होटल का, अकाउंटेंसी का, मतलब जो से 2 साल का कोई कोर्स है जैसे कुकिंग शुकिंग या कुछ, इसमें अगर मैं अप्लाई कर सकता हूँ या लाजमी मास्टर में जाऊँ? आपको यहीं पर रोक देता हूँ। आप इंजीनियर हो और आपने टेक्निकल पढ़ा है, अगर आप होटल वाटर में जाओगे तो आपको आप समझो कि वीज़ा रिफ्यूज पहले ही तैयार पड़ा है आपका। आप कोई और मत पढ़ो, कनाडा जाने के लिए आपके सिचुएशन में आपको उसी लाइन में कंटिन्यू करना लाजमी है। उसके बाद कनाडा जाके आप एक आध सेमेस्टर के बाद अगर आपका मन नहीं करता है तो आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, मीन ऑफ कोर्स यू हैव टू गेट एडमिशन दूसरे में, पर वो चेंज करना वो इजी है वहाँ पर। लेकिन अभी आपको यहाँ से मनीला से निकलने के लिए आपको अपने ही लाइन में सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। अच्छा। तो होटल वगैरह ठीक नहीं है, बिजनेस मैनेजर वगैरह कोई और कहीं नहीं जाओ, जो आपकी लाइन है, जो इंजीनियरिंग की लाइन है उसी में कंटिन्यू करो। और मैंने आपको बताया ना कि डिग्री की जरूरत नहीं है, आप कोई पीजी डिप्लोमा देख लो जो 2 साल का हो। व्हेन आई से 2 साल का, 1 साल में भी काम चल जाएगा, लेकिन 2 साल जाने में ज्यादा फायदा है आपको, क्योंकि उसके बाद आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलने वाला है। अच्छा हाँ, इसलिए मैं 2 साल बोल रहा हूँ। अच्छा, तो दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं ऑनलाइन, मतलब मैंने अगर अप्लाई कर लिया या मैंने ढूंढ ली यूनिवर्सिटी, अगर मिल गया, मेरा मसला ये बनता है आखिर में आगे ना बैंक स्टेटमेंट का। हाँ। मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं कि बैंक स्टेटमेंट आपने कहा है कि 6 महीने की चाहिए, उसमें तकरीबन 6-7 लाख के हो, या मतलब ये तो मैं अभी इतना भी नहीं है कि हम यार टॉप की यूनिवर्सिटी में टोरंटो में पढ़ सकें, तो मुझे थोड़ा सा उसमें गाइड करें कि उसमें नहीं, उसमें मैं उसमें बता देता हूँ क्या है कि कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी जो एडमिशन देगी, उन्हें पहले तो ये पता करना है कि भाई स्टूडेंट हमें पैसे देगा नहीं देगा, क्योंकि ट्यूशन फीस तो सबने चार्ज करनी है, फ्री तो पढ़ाई कहीं है नहीं है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो का आपने नाम लिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो बहुत हाई लेवल की है, उनकी फीस भी हाई है, तो इसलिए आप यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में अगर होता है तो आपको तो बहुत अच्छा है, स्टूडेंट वीज़ा मिलना बिल्कुल ही मिनटों का काम है। लेकिन अगर आप उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको थोड़ा उस नीचे लेवल पर आना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको कहा ना कि अगर आप लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ देखोगे तो आपको कम से कम 10-12 आपको चॉइसेस मिल जाएंगे कि कहाँ जाएँ, तो सबकी आप उनका कोर्स देखो, उनकी फ़ीस चेक करो, जो लोएस्ट फीस है उसको चूज़ कर लो। फिर जहाँ तक फीस का सवाल है, फीस तो शो करनी ही पड़ेगी। जैसे फीस अगर मैं अंदाज़ा लेके चलूँ कि साल की फीस अगर 15,000 से 20,000 डॉलर होगी, इतना तो मान के चलो आप, 15। हाँ हाँ हाँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी और कोर्सेज क्या है, कहाँ लोकेशन, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। आप मान के चलो कि 15,000 से 20,000 कैनेडियन डॉलर साल की फीस होगी। अच्छा। एक तो ये खर्चा होना चाहिए, आपके पास पैसा होना चाहिए तभी आप जाएंगे, और दूसरा खर्चा है जो आपके पास जो लिविंग एक्सपेंसेस है उसके लिए $10,000 आपको बैंक में होना चाहिए, जो आप पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट में दिखाओगे। अगर आपके पास करीब करीब 25,000 या 30,000 डॉलर का इंतजाम नहीं है तो ये सारा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। अच्छा। हाँ, इसमें जो पैसा कौन दिखाएगा, या तो आप दिखाओगे अपने नाम पे, आपके ब्रदर दिखाएंगे, या आपके कोई फैमिली दोस्त यार दोस्त कोई अगर हैं कनाडा में जो रह रहे हैं वो दिखा सकते हैं, कई कॉम्बिनेशन इसमें कर सकते हो आप। अच्छा। इंडिया में तो अब पता नहीं पाकिस्तान में ये है कि नहीं है, इंडिया में तो जो वहाँ के जो बैंक हैं वो लोन भी देते हैं पढ़ाई करने के लिए। यहाँ मतलब पर तो कह रहे हैं कि जो आ रहे हैं वो भी ले रहे हैं ना। नहीं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर लोन का सिस्टम नहीं है पढ़ाई के लिए। हाँ, वहाँ का सिस्टम नहीं, वो तो कह रहे हैं हमें दो, हमारा तो पैसा जीडीपी डाउन हो रही है, हमें पैसा दो, हमें तो अब तो कुर्बानी पे भी पैसा लगा दिया। हाँ जी, हाँ जी, वो तो कह रहे हैं हमें पैसा दो, हमें देना नहीं है, वो तो ले आओ पहले। अच्छा, वो वहाँ पर उल्टा सिस्टम है, तो अभी आप पता नहीं कैसे शो करोगे, क्योंकि कई इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो लोन लेकर, चाहे उनके पास इतना पैसा नहीं हो, तो लोन अप्रूवल लेकर उसको लेटर लेके भी उनका वीज़ा लग जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है, जरूर है ये। अच्छा, अब देखो कैसे क्वेश्चन एक था कि मैंने वीडियो देखी बहुत सारी फेसबुक पे, बहुत सारे ज्यादातर इंडियन ने इन लोगों ने बनाई हुई है, मतलब जैसे वीजा हब या इस तरह करके ना, वो भी सरदारी हैं, तो मैं जानता हूँ वीजा हब को। हाँ
तो उन्होंने कहा कि मतलब अगर आप विजिट वीजा लेते हो तो वहां पर जाके कन्वर्ट हो सकता है, तो टाइम शाइम लग जाता है ये इस तरह करके, तो आप इसमें आप ही क्या है? मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, मैं उसके बारे में अपनी राय जो अपना ओपिनियन बता दूं, क्योंकि मेरे को काम करते हुए 20 साल तो प्लस हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं मेरा एक्सपीरियंस क्या है, और मैं तो रोज देखता हूँ यहाँ जो लोग आते हैं जो करते हैं उसके बारे में मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वो क्या है कि विजिटर वीजा लेकर कन्वर्ट करना एक रिस्की गेम है। अच्छा। कुछ लोगों पे सक्सेसफुल है और बाकियों पे नहीं है। अच्छा। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी होती है, पहली बात तो ये है विजिटर वीजा आपको मिलेगा कैसे? आपको विजिटर वीजा मिलने के चांसेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट वीजा, पहली बात तो यही क्लियर कर दें। अच्छा। क्योंकि आपकी कोई इनकम नहीं है फिलीपींस में, आपका कोई इधर कोई बेस नहीं है, तो आपको विजिट वीजा के चांसेस आप कम ही समझे आप, पहली बात तो है। अगर कोई करिश्मा हो गया, अगर विजिटर वीजा मिल भी गया, अच्छा, उसके बाद जब कनाडा जाते हो, कनाडा में फिर आपको जॉब ढूंढने के लिए फिर आपको दर दर भटकना पड़ेगा, किसी से फेवर लेना पड़ेगा, किसी को पैसे देने पड़ेंगे, खर्चा फिर भी हो जाना, और उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपका जो LMI है उनके पास है तो LMI से कन्वर्ट होके आपको वर्क परमिट इश्यू हो जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। देयर इज हार्डली आई वुड से लेस देन 10-15% चांस के हो जाए, और अगर कहीं पर भी ये फेल हो गया, कहीं पर LMI ये फेल हो गई तो जीरो हो जाओगे आप, अगर वर्क परमिट नहीं मिला तो जीरो होके फिर वापस आना पड़ेगा, आपका रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, आपका जो विजिटर वीजा का रिकॉर्ड खराब हो जाएगा कि भाई आए तो विजिट वीजा थे घूमने फिरने, यहाँ पर आप नौकरी की तलाश में निकल गए। इसलिए मैं इस जो जो थॉट प्रोसेस को मैं नकारता हूँ, मैं कहता हूँ ये सही सही नहीं है। हाँ, कुछ कुछ केसेस में ये क्लिक कर जाएगा, जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ आपको, अगर कोई बहुत ही हाईली क्वालिफाइड कोई एक्सपीरियंस जो कोई इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर कोई स्पेशलिस्ट हो, जो इंडिया पाकिस्तान कहीं और कंट्री में रह रहा है, उसको नॉर्मली एक जॉब ओपनिंग के लिए इंटरव्यू की जरूरत है, वो उसको पास विजिटर वीजा पहले ही लगा हुआ है, पुराना, अभी का आज नहीं लगाया, पुराना एक दो साल पहले लगा हुआ है, वो यहाँ आता है कंपनी से मिलता है, कंपनी कहती है हाँ हमें आपको ज़रूरत है, और इमीडिएटली आपको प्रोसेस कर देंगे और वहीं पर आपको पोर्ट ऑफ एंट्री भी मिल जाता है, उस केस में ये कामयाब हो सकता है। लेकिन आपके केस में जब आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई पता नहीं कौन जॉब देगा, जॉब के लिए भटकना, जॉब के लिए 6 महीने की एंट्री में आप 3-4 महीने तो ऐसे ही ख़राब कर दोगे, जॉब देगा कौन? उसके बाद जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नौकरी कौन देगा? सब आपको प्रेशराइज करेंगे, दबाएंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, वो और प्रॉब्लम है। और जॉब ऑफर देने के लिए कई लोग हैं, देसी लोग हैं, वो आपसे पैसे चार्ज करेंगे, तो आपका वक्त भी ख़राब होगा, पैसा भी ख़राब होगा, इसलिए मैं आपको वो उस स्ट्रेटजी के लिए रेकमेंड नहीं करता। अच्छा, मैं सर जी बात है अभी अगर बोले बोले मैं मम्मा से मिसरा रहा था, मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पर से सिस्टम ये है कि मतलब मिसाल तौर पे मैं स्टडी, अगर स्टडी का मैं वीजा आपके पास है, स्टडी का वीजा आपने लिया, ये हर साल रिन्यू होता है ना यहाँ पर, या 6 महीने का रिन्यू होता है या साल का, मेरा हर साल बाद लगता था। तो पढ़ाई के बाद यहाँ पर फिलीपीन का रूल ये है कि पढ़ाई जब आपकी ख़त्म होती है तो आपने फिलीपीन को छोड़ना है, ठीक है, फिलीपीन को छोड़ के वापस आए पाकिस्तान से फिर नया वीजा लें। यहाँ पर फिलीपीन में ये हो गया कि सख्ती बहुत हो गई है, क्योंकि तो यहाँ पर पीछे हमारे अंदर यहाँ पर पाकिस्तानी रह रहे हैं, कुछ अलग बिरादरी है, उन्होंने पाकिस्तान में कतल शतल किए हैं, तो उनको फिर इधर से इंटरपोल के थ्रू कोई जो उनसे उनके मुखालिफ फिर उन्होंने पकड़ा झगड़ा, तो वो उनकी न्यूज़ यूज ना हमारी पासपोर्ट विद पासपोर्ट ना यहाँ पर CNN है ना इनका फिलीपीन में भी, तो उन्होंने हमारी रेपुटेशन हमारी बहुत सारी ख़राब हो गई, पाकिस्तानियों पर बहुत ज़्यादा सख्ती कर दी है। इंडियन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो कारोबार कर रहे हैं 5-6 का ना, 5-6 वो सूद का, हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग का, मेरे को पता है। तो इंडियंस को इतनी प्रॉब्लम नहीं है जी, इंडियन को इतनी प्रॉब्लम नहीं है, और ये हमारे पाकिस्तान के मतलब बहुत सारे लोग आए हैं जो यहाँ से निकले हैं या वीज़ा लेके आए हैं, उनको वीज़े मिले भी हैं वहाँ से पाकिस्तान से, एयरपोर्ट पे आगे उन्हें डिपोर्ट कर दिया वापस। अब मसला ये था कि मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था, ठीक है, मेरा सपोर्टिव पर्सन यहाँ पर मतलब जो है मैं ही खुद ही, तो मैंने यहाँ पर की है, मतलब अब लोग देख रहे हैं तो देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर अपनी शादी ताकि मुझे यहाँ पर से बाहर ना जाना पड़े, ठीक है, यहाँ शादी करी आपने? जी, अच्छा अच्छा, तो ताकि मुझे यहाँ पर बाहर ना जाना पड़े, मेरा वीजा स्टूडेंट से डायरेक्ट TRV कन्वर्ट हो जाए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप अपनी बीवी के बारे में बताएं, उसकी एजुकेशन क्या है?
अच्छा, अब मैं उसकी सीवी आपको बताता हूँ। वो ग्रेजुएट थी होटल एंड रेस्टोरेंट सर्विस से ना 2005 में। उसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। उसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस पहले था, सबसे पहले फूड कॉरपोरेशन में उसका एक्सपीरियंस था तकरीबन 2003 से 2004, 1 साल का, 1.5 साल का तकरीबन। उसके बाद उसका एक्सपीरियंस है प्रोडक्शन ऑपरेटर में तकरीबन। सर जी, सर जी, ये मेरे को आप मेरे को रेज्यूमे मत पढ़ के सुनाओ, मेरे को तो आप मोटा मोटा ये बताओ कि उसका एक्सपीरियंस आजकल वो क्या कर रही है, ये बताओ बस। वो फ्रीलांसर है सर जी, और हम दोनों बिजनेस पार्टनर। फ्रीलांसर में ये हो गया कि अंदर हमारे पाकिस्तानी हैं, उनका ट्रकिंग बिजनेस है यहाँ पे ना, जो जापान से गाड़ियाँ आ रही हैं यहाँ पे, जापान से या ताइवान से गाड़ियाँ आ रही हैं, सेल कर रहे हैं। तो फ्रीलांसर है हम, जैसे मतलब कोई अगर किसी ने लोन लेना है, आपने कोई गाड़ी लेनी है, आपके पास इतनी पेमेंट नहीं है, तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट करें कि यार मुझे गाड़ी ये चाहिए, तो मुझे लोन चुन लो इधर। तो ये फ्रीलांसर एजेंट है। तो आप मतलब लोन लोन दिलवाते हैं और आपको कमीशन मिलती है बैंकों से, ऐसा कुछ? कमीशन मतलब हम खुद ही अपनी प्राइस मार्कअप कर लेते हैं ना, बैंक तो हमें नहीं देगा, फाइनेंसिंग कंपनी है तो उसमें। समझ गए। तो ये वो कर रही है, आप दोनों मिलके दोनों कर रहे हैं? वो वैसे कर रही है, वैसे मैं तो साथ मतलब गाड़ियां शाड़ियां ढूंढ देता हूँ, जहरी बात है, मैं पाकिस्तानी जो हूँ अच्छा तो अच्छा मेन 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 मोरा वो है, पीछे से आप हैं। हाँ जी। हाँ समझ गए। तो अभी उसकी एजुकेशन क्या है, डिग्री क्या है उसकी? उसकी सर जी एक्सपीरियंस है मेरे ख्याल से, उसकी 2 साल की डिग्री है, वो होटल एंड रेस्टोरेंट सर्विस की। अच्छा, तो तो लेकिन होटल में काम किया है उसने? उसने होटल में काम तो नहीं किया, पर उसने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया। अच्छा, अभी रीसेंट एक्सपीरियंस उसका ये जो मनी लेंडिंग और ये फाइनेंसिंग के अलावा होटल का एक्सपीरियंस है कि नहीं है? उसका ये मनी लैंड ये जो एक्सपीरियंस है ना, इसमें उसे क्या कहते हैं, ये फ्रीलांसर में उसने उसका एक्सपीरियंस है तकरीबन 3 साल, क्योंकि 2016 से उसने ये शुरू किया है और अब 2019 जा रहा ओके। कितनी उम्र है उसकी? उसकी। सर जी उम्र है 28 28 29। और आपकी उम्र है 24? हाँ जी। क्या कहने, वाह क्या बात है, सर जी क्या करें क्या बात है, मैंने क्या बात लगता है। है गलती कर दी वीडियो नहीं रिकॉर्ड नहीं नहीं करा। अरे आप, अरे नहीं कहा, अरे घबराए घबराए क्यों आपको आपको सर जी, आपने आपने इतना भरोसा करके मेरे को आपको पूछा है, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ सर जी, आपकी आज का आज आज जिंदगी तब्दील होने का दिन है आपको, आपको बताए बताया ना इंशाल्लाह मैं मैं तो आपको। बहुत उम्मीद लेके आपको कॉल किया। सर जी आप, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उम्मीद आपने जताई है। मैं आई मीन आई सी आई कैन ओनली गिव सो मच, जो फैक्ट्स हैं उसको सामने रख के ही हम कर सकते हैं, राइट? आई मीन आई कैन नॉट चेंज के आपकी सिचुएशन को मैं चेंज कर दूँ। अभी आपकी शादी कब हुई है? अभी कितना टाइम हो गया? फ़रवरी में मेरी शादी में। फरवरी में। आगे आगे कोई फैमिली प्लानिंग का क्या नहीं क्या नहीं है? अभी नहीं, नहीं बिल्कुल, अब कनाडा जाके फैमिली का। अच्छा, कनाडा जाके होगा, वाह वाह वाह। ये देखो, मैं आपको एडवाइस देने से पहले थोड़ा सा मैं कह दूं, हम लोग एक्चुअली हमारे कंट्रियों में, हिंदुस्तान पाकिस्तान है और भी, जैसे जहाँ पर अंग्रेजों ने एक राज किया, हुक्म किया है, हम लोग सालों साल अंग्रेजों को क्रिटिसाइज करते रहे, बिल्कुल ये भाई अंग्रेज हम पे ये कर गए, अंग्रेज हम पे वो कर गए, और आज हालत ये है कि हम अंग्रेजों के मुल्क में जाने को बेताब हैं। बिल्कुल सही बात है। हम लोग जो एक्चुअली वेस्टर्न जो कंट्रीज को, वेस्टर्न आइडियाज को और वेस्टर्न हुकूमत को सालों साल हम गालियां देते रहे कि ये लोग हम पे जुल्म करते रहे, वो करते रहे, कह रहा, और आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम कह रहे हैं भाई साहब अंग्रेज तुम क्या क्यों चढ़ के छोड़ के हमें अपने साथ ले जाओ। बिल्कुल आज कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में, चाहे तो जितनी भी हमारी सिविलाइजेशंस हैं एशिया की, चाहे जैसे भी हैं, हम सोच रहे हैं कि हम वहाँ पर जाके बस जाएं, क्योंकि हम देखते हैं कि उनके पास जो है हमारी कंट्री में कभी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बात ये ना, बड़ी बड़ी हैरानी वाली बात है कि कैसे हिस्ट्री, वो कैसे ट्रेंड चेंज हो गया एकदम से। जी पर देखें बिल्कुल एनीवे, मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि आपकी वाइफ के पास इतनी हाई एक्सपीरियंस एजुकेशन नहीं है, जो मैंने आपको जो तरीका बताया था ना, उससे आपके और आपकी वाइफ का दोनों का ही उद्धार हो सकता है, दोनों का भला हो सकता है। आप के पास एजुकेशन है, एजुकेशन आपके पास एक नगीना है, उसका आप इस्तेमाल करें, और मैं आपको बता रहा हूँ इंशाल्लाह आपका काम जरूर होगा। दिसंबर में आपको ग्रेजुएशन होगी, दिसंबर से पहले पहले मैं आपको यकीनन कह सकता हूँ कि आपका अक्टूबर नवंबर तक आपका कनाडा का दोनों हस्बैंड वाइफ का वीजा आएगा, आप दोनों शान से आओगे कनाडा। अच्छा। मेरे को लगा कि अगर आपकी वाइफ के पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है या एक्सपीरियंस है, तो उसके बेस पे भी हम थोड़ा सा अपना अपना निशाना उधर दूसरी तरफ करें, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ दिखता नहीं है कि वहाँ पर कुछ है।
क्योंकि जो फिलिपिनो फिलिपिनाज जो होती हैं उनको उनके पास कईयों के पास नर्सिंग की डिग्री होती है या कोई और हॉस्पिटैलिटी होता है, तो उनको केयर गिवर के बेस पे कहीं ना कहीं उनकी एडजस्टमेंट हो जाती है। केयर गिवर होती है ना जो काम करते हैं घरों में बच्चों के लिए और उसके लिए, तो हमें लगता नहीं कि आपके सिचुएशन में उसका केयर गिवर का काम होने वाला है। तो आपको जो मैंने कहा मैं उस पर भी अभी भी इंटैक्ट हूँ कि आप अपना पढ़ाई का वो एडमिशन लें और स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें, हस्बैंड वाइफ दोनों शान से कनाडा आएंगे और बहुत सही टाइम पे आप कर रहे हैं क्योंकि जनवरी के लिए आपको एक दो महीने आपको रिसर्च करने के लिए सब कुछ चाहिए, टाइम चाहिए आपको, तो आप करें आपका काम जरूर होगा। इसके अलावा और कोई सही तरीका प्रैक्टिकल तरीका मेरे को नजर नहीं आ रहा आपके सिचुएशन में, बोले मतलब वो जैसे वही है, अगर उसके पास इतना एक्सपीरियंस भी है तो उसमें कोई फायदा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है उसका वाइफ को। हाँ जी, हाँ वाइफ के पास एक्चुअली चक्कर ये है कि अगर आप कुछ साल से मनी लेंडिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल काम कर रहे हैं, ये कोई एक क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप, अगर तो किसी के साथ मतलब ऐसे नौकरी कर रहे होते, आपके पास पे स्लिप्स होती तो उसका एक्सपीरियंस देखे कुछ कर सकते थे। फिर उसके बाद फिर एजुकेशन इतनी नहीं है, एक्सप्रेस एंट्री में मैं चाहता था कि आपकी फाइल लग जाए दोनों हस्बैंड वाइफ की, तो वो ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि आपके बैकग्राउंड में वो सब चीज़ें हैं। इसलिए पीआर का आप छोड़ दें, पीआर का आपके पास नहीं होगा, जॉब कोई दोनों को देगा नहीं कैनेडा से डायरेक्टली, तो इन दोनों को हटा दें आपके पास। और शादी आपकी जो चौथा हम जो पहले कह रहे थे, शादी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, कैनेडा की शादी तो आपके क्या अब करने वाली सूरत तो है ही नहीं। तो आप सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा अपना करें और उसको दोनों को साथ आप आ सकते हैं। अच्छा, दूसरी मेरा एक और सवाल ये था कि अगर मैं ऑनलाइन सर्च करता हूँ यूनिवर्सिटी, मतलब सर्च कर ली और उसके बाद मतलब मुझे एडमिशन मिल गया, जैसे आप कह रहे हैं कि मेरा अक्टूबर नवम्बर दिसंबर में यह काम हो जाएगा, डिप्लोमा तो मुझे दिसंबर में मिलना है और दिसंबर में आपको पता है थोड़ा सा डिप्लोमा और टीओआर मिलते मिलते तकरीबन महीना तो लग ही जाता है, ठीक है, पेपर मिलते मिलते तो वो तो मस्त नहीं होगा उन्हें दिखाने के लिए यूनिवर्सिटी को, गई है मुझे ये मेरा डिप्लोमा या मेरा टीओआर है या दैट इज राइट। एक्चुअली वो आपके जो मार्कशीट जो ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं वो देखेंगे सारे और उसके बेस पे आपको कंडीशनल आपको एडमिशन दे देंगे, आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो आप, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप फाइनल डिग्री और डिप्लोमा हाथ में मिले ना मिले, वो उसका कोई वो नहीं है ज़्यादा, लेकिन आपकी अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो गई डिग्री की और आपकी यूनिवर्सिटी ने फिलिपिन से लिख दिया कि आपके पास सारे कम्प्लीशन का वो है जिसको एक फाइनल लेटर कहते हैं वो है, तो यूनिवर्सिटी को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मतलब मुझे अभी आप यूनिवर्सिटी सर्च करें, जो कोर्स करना है वो आप सर्च करें और उसके बाद फिर स्टूडेंट वीज़ा में अगर आपको अप्लाई, मैं तो रेकमेंड करता हूँ आपने वीडियोस पुराने देखो कि मैं चाहता हूँ कि लोग अपने आप करें, अगर आप नहीं कर सकते तो आई कैन डू इट फॉर यू और यू कैन हायर एनी कैनेडियन इमिग्रेशन लॉयर, दे कैन डू इट फॉर यू। और अगर दूसरी बात तो मेरा मतलब ये था कि मस्ते आपको मैंने इसलिए समझा कि अगर मैं आपसे कांटेक्ट करूं कि आप मेरा ये काम करें तो आप ये कर सकते हैं। मेरा काम ही है, मेरा तो पेशा ही काम, यही तो मेरा काम है और जैसे आपका कारों का फाइनेंस करना है यही मेरा काम है, मैं तो करने को बैठा ही हूँ, पर मैं हर एक आदमी को पहले मौका देता हूँ कि भाई आप अपना काम अपने आप करें और अगर पैसे बचाना चाहे तो बचाएं जरूर, लेकिन बाकी ये है कि क्या पैसे हाथ की मैल है, आने जाने की चीज है। हाँ, तो काम होना चाहिए, चाहे आप करें मैं करूँ, काम होना चाहिए। तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने आपकी वीडियो बहुत सारी देखी है तो मैं बड़ा सोचता रहा, अभी मैंने अपना क्रेडिट कार्ड निकाल के अपने वाले में फिर रख दिया, तो फिर मेरी अम्मा ने कहा कि तू भेज दे पैसे, बात कर उनसे, और अभी हम बाहर ही बैठे हुए दोनों दुकान में। अच्छी बात है, काम आपका होगा जरूर, मेरे को अंदर से आवाज आ रही है कि आपका काम होगा और अगर आपका काम, ये एक हर चीज का एक मौका एक सबब बनता है, आपने कांटेक्ट किया, आपने इन्फॉर्मेशन ली और आप आगे अब एक दो दिन में स्टेप लेंगे और धीरे धीरे जुलाई आ रहा है, अगस्त सितंबर तक आपका वो होगा, तो धीरे धीरे हर एक चीज का मौका बनता है, ऐसे ही बनता है मौका। जी जी, और दूसरी बात ये है कि स्टेटमेंट की, जैसे मैं आपको बाद, मेरा मतलब आखिर में क्वेश्चन वही है कि स्टेटमेंट का मसला, तो स्टेटमेंट आपके ख्याल से कितने महीने की होनी चाहिए, 3 महीने की या 6 महीने की? देखिए बॉस, ये है कि
आइडियल है 6 मंथ्स, आई रिकमेंड के 6 महीने की होनी चाहिए, बाकी 3 महीने वाले लोग लगा रहे हैं उनका भी वीज़ा लग रहा है, पर आइडियल आप 6 महीने का निशाना रखो, मतलब अभी से आप जुलाई से, क्योंकि अगर आपको वीज़ा अप्लाई करना है सितंबर में अक्टूबर में तो 3 महीने तो ये हो गए, तो अभी से आप अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करो, आप जुलाई अगस्त सितंबर की 3 महीने की जो बैंक स्टेटमेंट होगी उसमें आप रखो निशाना के $25,000 तक शो करने हैं, वो कैसे शो करने हैं आप सोचो, अपने भाई से पूछो या जो भी कुछ अरेंजमेंट करना है, आप ये सोचो कि आपको सितंबर में जब वीज़ा अप्लाई करना है तो आपके पास एटलीस्ट करीब करीब $20,000 से $25,000 का शो होना जरूरी है कैनेडियन डॉलर्स। मतलब उसमें दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा अपना यहाँ पर जाती बैंक अकाउंट है, मतलब मेरा जाती अपना साइड बैंक बिजनेस है, तो अगर मैं अपना अकाउंट भी शो कर सकूँ कल तक, वो यूनिवर्सिटी वाले या ये तो नहीं कहेंगे कि यार तो यूनिवर्सिटी वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्सिटी दे डोंट केयर अबाउट का आपका अकाउंट पुराना है कि नहीं है, जॉइंट है, दे डोंट केयर, ये बात हो रही है वीजा ऑफिसर की बात कर रहे हैं, वीजा ऑफिसर की जो रिक्वायरमेंट है उसकी बात कर रहे हैं। बाकी आपके आपके जो जॉइंट फैमिली जो अकाउंट है आपका हस्बैंड वाइफ का, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, आपके भाई का अकाउंट भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके कनाडा में कोई फैमिली या कोई रिश्तेदार है जो आपकी हेल्प करना चाहे फिनेंशियली, उसका भी अकाउंट यूज़ कर सकते हो आप। ये तो टेंशन वाली बात बन गई। टेंशन वाली बात तो भाई देखो ऐसा है, कुछ आप इतना बड़ा आप कदम लेने जा रहे हो, आप कनाडा मूव करने जा रहे हो, खर्चा तो होना ही होना है, अगर खर्चा होना है फिर उसके बाद आपको जाना है, हवाई जहाज के टिकट लेने हैं वो महंगे हैं, फिर रहना है वो महंगा है, कनाडा जाना और रहना इनिशियली तो महंगा पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे जब सेटलमेंट होती है तब थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन दूसरी कंट्री जाना, दूसरे शहर जाना, you know, always, there's always expense. दूसरा मैंने देखा है कि आप मेरे ख्याल से अल्बर्टा में रह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कौन से एरिया में यूनिवर्सिटीज हैं जो मतलब बिलो हैं, जो सस्ती हैं, वहाँ पर हो सकता है अल्बर्टा उसका में या... उसका मैं आपको छोटा सा जवाब ही दे दूं, किसी भी यूनिवर्सिटी में जहाँ आपका एडमिशन होता है उसको पकड़ लो, आपके पास इतना वो डिस्क्रिशन नहीं है कि कौन सी चूज करें कौन सी नहीं, जो आपको पहले एडमिशन देती है आप उसको पकड़ लो, क्योंकि टाइम थोड़ा है हमारे पास। बाकी बाकी जो आपने टोरंटो का नाम लिया, वैनकूवर का नाम लिया, वैनकूवर का नाम नहीं लिया, ये जो बड़े बड़े शहरों में यूनिवर्सिटी है वो महंगी होंगी ही होंगी, लेकिन अगर आपको छोटे जो एरियाज में जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा है, सैस्कैचुआन है, थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन आपको तो ये है कि आप कहीं भी आपको एडमिशन मिलता है भाई, आप एडमिशन पकड़ो उसको, चाहे बड़ा हो छोटा हो, आपको अभी एडमिशन की जरूरत है। अच्छा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अगर मतलब एडमिशन का मैंने यूनिवर्सिटी ढूंढी या आपने ढूंढी मेरे लिए जो है, तो इसमें तकरीबन कितना टाइम, अगर एट अ टाइम मिसाल के तौर पर अगर कल है तो मैं कल तकरीबन 10 या 12 या 15 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करता हूँ, तो पहले तो उसमें आप मुझे कुछ गाइड ये करें कि उसमें रिक्वायरमेंट्स उनकी अगर क्या हो सकती हैं। वो रिक्वायरमेंट्स उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लिखी होगी। अच्छा, उस पर लिखा होगा कि कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए, क्या क्या आपको डिग्री में चाहिए, कौन कौन से आपने कोर्सेज पढ़े हैं, वो उसमें सब लिखा होगा, कितनी इंग्लिश चाहिए, वो सब उसमें, हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट बनाई हुई है उन्होंने, उस पर सब उनकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। अच्छा, दूसरी बात तो वो मैंने आपसे की कि मैं ये मैंने आपसे किया, आपसे रब्ता किया इसी वजह से, आप मेरा काम आप करें, ठीक है, तो मैंने आपसे रब्ता इसी वजह से किया। दूसरी आइल्स रह गया, आइल्स का क्वेश्चन ये था कि मैं पाकिस्तान में था तो उस वक्त हमें शौक चढ़े हुए थे घूमने फिरने के, इस्लामाबाद में रहा, तो मैंने आइल्स तकरीबन हफ्ता किया तो मैंने छोड़ दिया, तो दोस्तों मेरे कहते हैं कि यार इतना मुश्किल नहीं है, तो ये आइल्स का आप मुझे बताएं कि आइल्स का क्या इजीली हो सकता है, इजीली आ सकते हैं 7 बैंड या मुश्किल है? हो सकता, अब निशाना रखें 7 का, 6.5 आ जाए तो भी बहुत है आपको, इंग्लिश के टेस्ट के बिना ना एडमिशन हो सकता है ना वीज़ा मिल सकता है, मैं आपको मोटा मोटा ही बता दूं। अच्छा, हाँ, इसमें आप देखें कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपको कनाडा का, अगर आपका ख्वाब है कि कनाडा में रहना है तो आपको इंग्लिश का ये जो मील का पत्थर है क्रॉस करना ही पड़ेगा आपको, इंग्लिश के बगैर कोई काम नहीं हो सकता भाई। IELTS यहाँ पता करें अपने शहर में, IELTS ही कोई कोचिंग कराता है वो कोचिंग लें, या ब्रिटिश काउंसिल का कोई उनकी वेबसाइट पे कोई प्रैक्टिकल कोई डेमो लेसन्स बने होंगे वो लें, IELTS के बगैर कुछ नहीं हो सकता।
और अगर आपको आईलेट्स की ट्रेनिंग चाहिए तो हिंदुस्तान चले जाए, वहाँ आपको आईलेट्स की ट्रेनिंग दे देंगे। अब हिंदुस्तान का कौन वीजा ले पहले? हाँ तो ये हिंदुस्तान का वीजा नहीं देते पाकिस्तानियों को। ये दूसरा मसला है। जब फिलीपीनो वाले पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहे हैं तो आप हिंदुस्तान को क्या सोचेंगे फिर आप? अब तो क्या उसे कहते हैं, कंपटीशन आ गया ना, मोदी कहता है कि निकलो यहाँ से। हाँ नहीं, अब चलो मोदी के बारे में अब क्या करें, ये फोरम नहीं है मोदी के बारे में बात करने का। बाकी बाकी ये है कि आईलेट्स की ट्रेनिंग, आईलेट्स की इंडस्ट्री हिंदुस्तान में बहुत है। हमारे वहाँ तो उस तरफ जहाँ पर पंजाब वगैरह एरिया में आईलेट्स, वहाँ पर आईलेट्स की इतनी दुकान है जितनी राशन की दुकानें नहीं है। अच्छा, अब हिंदुस्तान कैसे जाए? अब ये दूसरा मसला है। बाकी देखिए यहाँ फिलीपींस में होगा आईलेट्स की ट्रेनिंग वाले, यहीं भी बहुत होंगे। फिलीपींस में भी है आईलेट्स की ट्रेनिंग वाले। दूसरा मेरा मतलब बात भी खत्म होने वाली, थोड़ा क्वेश्चन ये था कि अगर मिसाल तौर पर प्रोसेस अगर आप मेरा करते हैं तो रबते शाबते का कैसे है कि मैं आपको कैसे करूँ, आप मुझे आप मेरा ये काम करें, मिसाल तौर पर कॉलेज में एडमिशन ढूंढे तो आपको जो सी चीज़ चाहिए वो आप मुझे बताएंगे, ये कैसे हो सकता है? सर जी वो ये हो सकता है, देखिए नॉर्मली मैं एडमिशन का काम करता नहीं हूँ क्योंकि मैं एडमिशन के लिए सोचता हूँ कि अगर स्टूडेंट पढ़ा लिखा है, अपने आप कर सकता है, इंग्लिश बोलता है तो अपने आप ही नेविगेट करके उसको कंप्यूटर पे ही आपको अप्लाई करना है, सर्च करना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सर्च करूँ और वो करूँ, पहली बात। और अगर करना ही है तो उसके लिए फिर हम अलग से बात करेंगे कि आप सारे डॉक्यूमेंट मेरे को देंगे, मैं सर्च करूँगा, और फिर थोड़ा सा इसमें लेबर इंटेंसिव काम ज़्यादा है, थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए मैं एक्चुअली आइडियली ये रिकमेंड करता हूँ कि स्टूडेंट एडमिशन लेटर लेकर फिर मेरे पास आएँ, और वीज़ा लगवाना है उनको स्टूडेंट वीज़ा तो मैं स्टूडेंट वीज़ा फाइल उनके लिए पुटअप करूँगा। ये मेरी नॉर्मल सर्विस है। लेकिन एडमिशन्स का काम कराने के लिए क्योंकि वही सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को भरनी पड़ेगी जो स्टूडेंट अपने आप भर सकता है। इसकी तो कोई बात नहीं है। आप कोशिश करें, आप कोशिश एक दो हफ्ते थोड़ा टकरे मारे जरा वेबसाइटों में, देखें क्या होता है, उसके बाद फिर देखते हैं। अगर मतलब कुछ ना हुआ तो फिर आपसे रابطہ करेंगे। हाँ फिर करेंगे। बाकी आप मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं फिलीपींस आना कोई बहुत बड़ी दूर वाली बात नहीं, मैं हांगकांग आया हूँ एक दो बार, वहाँ मैंने सेमिनार भी किया है इमिग्रेशन का, हांगकांग से मेरे ख्याल 1 घंटे के रास्ते पे है फिलीपींस। हाँ ऐसी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, फिलीपींस कोई ज्यादा दूर थोड़ी है। बस हमारा फिर यही क्वेश्चन थे। हाँ आपका मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, आपका स्टूडेंट वीजे के अलावा कोई भी और कोई पक्का पुख्ता रास्ता नहीं है। आपकी उम्र कम है अभी और आपकी पढ़ाई चालू है, जिस दिन उम्र बढ़ जाएगी, जिस दिन पढ़ाई टूट जाएगी, उस दिन ये मौका भी खत्म हो जाएगा। इस मौके को हाथ से जाने ना दें। जनवरी 2020 में आप और अपनी बेगम के साथ कनाडा में होंगे। एक और क्वेश्चन मेरा, आपने अभी ये बात की है, अगर मैं स्टूडेंट वीजा अप्लाई करता हूँ तो मैं अपनी वाइफ को भी साथ सेम डे पे ला सकता हूँ या पहले? बिल्कुल वही तो मैंने आपको पहले ही बार से कह दिया था कि आप दोनों इकट्ठे आएंगे। अच्छा, आप दोनों इकट्ठे आएंगे और मजे की बात यह है कि आप स्टूडेंट होके पढ़ाई करेंगे और उसको वर्क परमिट मिलेगा, वो जाके नौकरी करेगी। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा है कि स्टूडेंट वो बैंक स्टेटमेंट वाली बात है, तो उसमें भी मतलब मिसाल अगर हम दोनों आ रहे हैं तो वो बैंक स्टेटमेंट भी उतनी चाहिए या उसमें बैंक स्टेटमेंट बढ़ जाएगी? हाँ वो चक्कर क्या है, उसको अगर आपने वाइफ को साथ लेके आ रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट में $4,000 एक्स्ट्रा शो करने पड़ेंगे। अच्छा, तो उसका तरीका कई कई बार लोग ये भी करते हैं कि आप अपनी वाइफ को पहले छोड़ दें, आप पहले वीजा लेके आए फिर एक आध सेमेस्टर बाद ले आए उसको, ये भी हो सकता है। मेरा यही क्वेश्चन, अगर मैं पहले आऊं तो मतलब एक सेमेस्टर खत्म करके तो उसके बाद उससे बुला लें? बिल्कुल तो ऐसा बिल्कुल उसके बाद वीजा लेने में तो कोई मतलब वीजा नहीं होगा? वीजा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना वीजा अगर आपका क्लियर हो जाएगा तो आपकी वाइफ का वीजा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसका वो उसे क्या कहते हैं ओपन वर्क परमिट पे आएगा? हाँ उसे ओपन वर्क परमिट मिलेगा, मतलब कि जहाँ पर आप रहोगे कहीं भी जाके किसी भी कंपनी में जहाँ पर उसको जॉब मिलती है काम कर सकती है, वो अपनी कमाई कर सकती है, नौकरी कर सकती है, जहाँ पर आप स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं वो काम कर रही है। दिस इज हाउ इट बैलेंसेस आउट। बहुत बहुत शुक्रिया सचिव, बहुत मजा है आपसे बात करके।
ठीक है ठीक है। कुछ बात पता की कुछ बात दिमाग में कुछ बात जमी आज के? नहीं 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 जमी है, बहुत बहुत मुझे मतलब समझ आया। वैसे तो हम बहुत सारे देखते हैं कि ये इधर से काम करा रहे हैं, इधर से मतलब इधर उधर भगा देते हैं, तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो मैंने टाइम से पहले आपसे रब्ता किया, मतलब मैं अपने आप को रेडी कर लूंगा। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मेरी फिलॉसफी हमेशा जी ये रही है, दुकानें बहुत बनी हुई इमिग्रेशन की, कोई कहता है जी हमें इतने हजारों डॉलर दे दो जी, हम आपका वीज़ा लगवा देंगे, वो कर देंगे। मैं तो आपको सिर्फ ये कहना, एज अ क्लाइंट को मैं ये कहना चाहता था हमेशा कि इससे पहले कि आप किसी को पैसे दो, आप उस एप्लीकेशन के बारे में, उस कानून के बारे में मालूमात हासिल करो पहले, जिससे कि आपको कोई धोखा ना हो जाए। जी अगर आपको खुद पता है कि क्या वीज़ा कैटेगरी है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इसकी रियलिटी है, तो आपको कोई बेवकूफ़ जल्दी से बना नहीं पाएगा। एक तो पहली बात ये है, और दूसरा है कि जब आपको जब वीज़ा कैटेगरी पता लग गई, रिक्वायरमेंट पता लग गई, तो कोशिश करो कि शायद अपनी एप्लीकेशन आप ही अपने आप कर लो, शायद कोई कर सकता है तो उससे भी जी, पैसे। मैं ट्राई तो वैसे मैं वैसे करूँगा कि मैं वैसे तो मैं फ्री होता हूँ अभी, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं यूनिवर्सिटी में खुद अप्लाई करूँ। तो नहीं, आपका काम होगा, और मेरी मेरी आपको बेस्ट विशेष, जिसको हम शुभ कहते हैं, शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आपका काम जरूर होगा। मैं आपको देखना, आपको और आपकी बीवी को अगले साल जनवरी 2020 इंशाल्लाह में इंशाल्लाह आपको मैं देखना चाहता हूं वैंकूवर में, टोरंटो में, जहां पर भी आते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस मैं जैसे ही मैं वैसे खुद यूनिवर्सिटी सर्च करूंगा, और दूसरा मेरा जहां पर भी मेरा होगा सिस्टम, तो प्रोसेस का जहां पर मेरा सवाल रहा गया स्टूडेंट वीजे का जैसा भी, तो वो मैं इंशाल्लाह आपसे करवाऊंगा। मैं अब किसी और से करवाने से अच्छा है कि मैं आपसे करवाऊँ, पैसे लोगों को भी देने हैं ना, तो बस तो वो मैं आपसे करवा लूंगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस, आप वहाँ पर रहते हैं, तो बस आप मेरे लिए दुआ कीजिए। एक और आखिरी आखिरी सवाल मेरे को पूछना है आपसे, मैं पूछ नहीं पाया कि आपका या आपकी वाइफ का पुराना कोई किसी कंट्री का रिफ्यूजल तो नहीं है, कनाडा अमेरिका का? नहीं, हाँ, ये थोड़ा सा क्लियर करना था, क्योंकि अगर रिफ्यूजल है उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है थोड़ा सा। बाकी मतलब एशिया तो मैं बहुत आपको मतलब बात ये आपने ये कर दी, दूसरी यहाँ एक और बात आपने जैसे की कि ट्रैवल हिस्ट्री मस्ट करती है, मैं उसे क्या करते हैं, जिससे कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं? मिसाल उधर पे जैसे आप फ्रेश पासपोर्ट है मेरा, उसमें सिर्फ स्टूडेंट वीजे लगे हुए थे, मतलब मैं एशिया बहुत घूम चुका हूँ स्टूडेंट रह के भी ना, तो इस वजह से घूमूँ ताकि मेरे पासपोर्ट की वैल्यू बन जाए कल इन द केस मैं यूरोप में अप्लाई करता हूँ। जैसे आपको तो पता है हमारे तो पासपोर्ट फेंक देते हैं ना कि यार ये देखो दहशत गर्द आ गए, हमारे साथ तो ऐसा हुआ है ना, मैं सिंगापुर गया हूँ, इधर गया हूँ थाईलैंड भी, तो उन्होंने मुझे रोक लिया, ऑफिस में ले गए, वो इंटरव्यू नहीं लेते, तो शर्म सी आ जाती है। तो ये उसे आपके ख्याल में क्या ये मैटर करता है ट्रैवल हिस्ट्री या कुछ? हमारे हमारे कंट्रियों की यही बेबसी है कि हमारे कंट्रियों के पासपोर्ट की कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। जी बिल्कुल, ये जो आपने कहा ना कि आपको शर्म से आ जाती है, इंटरव्यू लेते हैं एयरपोर्ट पे, पूछते हैं जी क्या है, वो सिर्फ एक पासपोर्ट का जो एक ठप्पा लगा है ना उसको देखकर ही रिस्पेक्ट करते हैं, उसको इंडिविजुअल को कोई रिस्पेक्ट नहीं है। पासपोर्ट जिस कंट्री का है, अगर किसी के पास सिंगापुर का पासपोर्ट है, जापान का पासपोर्ट है, अमेरिका का पासपोर्ट है, कनाडा का पासपोर्ट है, उसकी सारी दुनिया में इज्जत करते हैं एयरपोर्ट पे। बिल्कुल, और अगर किसी का पासपोर्ट इन कंट्रीज से नहीं है, बहुत ही लोअर लेवल के किसी उस पे वहाँ पर है, तो वो कहते हैं पता नहीं बंदा ये पता नहीं इसे एतवार करने वाला है भी नहीं, क्या कह रहा है इसके। हम पासपोर्ट की कदर मतलब की कीमत दुनिया में पासपोर्ट की है, ये तो मैंने आपने देखा है, निचोड़ निकाला है। जी जी बिल्कुल, जहाँ तक ट्रैवल हिस्ट्री की बात है, ट्रैवल हिस्ट्री से यस, ट्रैवल हिस्ट्री से कदर बनती है, लेकिन वो बनती है सिर्फ विजिटर वीज़ा में। लेकिन स्टूडेंट वीज़ा में कई मेरे क्लाइंट्स आए हैं जैसे हिंदुस्तान से और भी कंट्री से, तो वो जीरो ट्रैवल हिस्ट्री पे उनको सीधे स्टूडेंट पे उनको लग जाता है, ऐसी बात नहीं है कि ट्रैवल हिस्ट्री। तो आपके केस में आप ट्रैवल हिस्ट्री जितनी आपके पास है उतनी बहुत है, इसके आगे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, पर ये जरूर करना कि अभी से लेकर दिसंबर तक कोई और किसी कंट्री का वीज़ा लेकर थोड़ा सा रिस्क मत लेना, कहीं आपने किसी कंट्री का वीज़ा लिया और रिजेक्ट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो है अभी तक वैसे ही रहने दो, अभी आगे कोई और हिलजुल करने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है, ठीक है, जी ठीक है। बस बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, तो बस आप दुआ करें, मैं इंशाल्लाह इस पे फोकस करूंगा, सर्च करूंगा यूनिवर्सिटीज को, तो इंशाल्लाह रब्ता करूंगा आपसे, तो आप ही मेरा प्रोसेस कीजिएगा।
ठीक है, चलो चलो, तो बिल्कुल, बाकी बाकी बात रही लाहौर जाने की, तो पाकिस्तान तो मुझे 3.5 साल हो गए अभी तक गया नहीं हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपसे मुलाकात जरूर होती बस। तो, आपका मैं बता रहा हूँ ना आपको कि आपको 3.5 साल हो गए पाकिस्तान गए नहीं गए हुए। हाँ जी 3.5 साल हो गए। हाँ, और टोटल आपको 6 साल हो गए निकले वहां से। 6.5 साल, हाँ जी, एक बार में सिर्फ पाकिस्तान में। 6.5 साल अभी हो गए, अभी आपको दिसंबर तक 7 साल हो जाएंगे। हाँ जी, इसको हम कहते हैं, आपको शायद पता नहीं, इसको हम कहते हैं कि 7.5 साथी कहते हैं इसको, आपने सुना है? 7.5 साथी, 7.5 साथी जी, बिल्कुल सुना है? जी जी बिल्कुल सुना है। हाँ, आपके 7.5 साथी शनि की खत्म होने वाली है, और आपका, आप देखना, यकीन माने, आपका आपका जनवरी में नया वीजा लग के आप नए कंट्री जाने वाले हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, चला बस आपकी दुआ रही। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, खुदा हाफिज़।